रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत के द्वारा मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ किला मैदान इंदौर के प्रांगण में दृष्टिहीन बच्चों के लिए शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के साथ मिलकर निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वंदा सक्सेना, डॉक्टर दिव्या मेनन, डॉक्टर मनोज जैन एवं प्रशिक्षु डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर शुभासिनी, डॉक्टर श्रुति की टीम ने लगभग 40 बच्चों की मुफ्त जांच की एवं उन सभी को मुफ्त टूथपेस्ट और दवाइयों का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत के मेडिकल डायरेक्टर सत्यनारायण पिटवारी, राज जय सिंघानी, रमेश विजय वर्गीय, साधना सिंह एवं उत्कर्ष जायसवाल ने किया। दंत चिकित्सा शिविर के दौरान क्लब के अध्यक्ष घनश्याम सिंह एवं सचिव रजनीश जायसवाल द्वारा क्लब के तत्वाधान में इंदौर शहर में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारियां दी गई। सा महाविद्यालय से हूँ मैं डॉक्टर वृंदा और ये हमारी टीम है। हम रोटरी क्लब मेघदूत के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये एक स्पेशल ग्रुप के मुख्य स्वास्थ्य को लाभान्वित करने के लिए एक कैंप लगाया जा रहा है और मैं आश्वासन देती हूँ कि उनका मुख्य स्वास्थ्य के लिए जितना हम कर सकेंगे अवश्य करेंगे। हमारे रोटरी क्लब मेघदूत का आई कैंप का मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ हम लोग महेश दृष्टिहीन में आए हैं बच्चे लोगों को ये डेंटल परीक्षण करने के लिए। यहाँ हमारे डॉक्टरों की टीम भी आई है, हमारे प्रेसिडेंट घनश्याम जी, सेक्रेटरी हमारे जसदीश जी, सब लोग साथ में आए हैं। ये रोटरी क्लब इंदौर मेघदूत की तरफ से आज ये स्वास्थ्य मुख्य स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ पे जो भी 18 साल से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनके जो मुख से दांत से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम इन डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षण कराएं और उसके उनसे जो अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो उसकी समस्या का समाधान करें। जो छोटी मोटी समस्या का समाधान तो यही हो जाएगा, अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो हम उनको डेंटल कॉलेज में भेज करके उसका प्रशिक्षण तथा उसके आगे की जो चिकित्सा के जो खर्चे हैं सब उठाने के लिए हमने रोटरी क्लब मेघदूत की तरफ से ये व्यवस्था की है।